पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के सरपंच पति और सरपंच पुत्रों से इतने परेशान हो गए कि उन्हें अब प्रदर्शन का रास्ता अपनाकर कार्यवाही की मांग करनी पड़ रही है। मामला छतरपुर का है, जहां जनपद पंचायत विजावर के सहायक यंत्री ओपी द्विवेदी ने बताया कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में छतरपुर जिले के जनपदों के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने आप को सरपंच का बेटा या पति बताकर शासकीय अमले पर अनैतिक कामों का दबाव बनाते हैं और यदि काम करने से मना किया जाता है तो वे जान से मारने की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच के बेटे राम मनोहर तिवारी ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस पर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में अब छतरपुर जिले के अंतर्गत कई जनपदों में कतिपय कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा, जो कि या तो सरपंच के पुत्र हैं या सरपंच के पति के नाम से आते हैं और समस्त शासकीय अमले पर अनैतिक कार्यों का दबाव बनाने हेतु दबाव बनाते हैं, अगर उनसे किसी प्रकार से अगर उनको काम ना किया जाता है तो वो जान से मारने की धमकी या गाली गलौज या अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित कर रहे हैं। कई घटनाएं हैं हमारे छतरपुर बिजावर में मेरे साथ ही हुई थी। एक सरपंच पुत्र, कथित सरपंच पुत्र राम मनोहर तिवारी द्वारा मेरे साथ अभद्रता चैम्बर में आगे की गई तथा उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैंने इस घटना की तत्काल सूचना अपने जनपद सीओ, एसडीएम महोदय, जिला सीओ महोदय को तत्काल मैंने दूरभाष, घटनाएं होती रही हैं। आज कौन कौन आया है? आज हमारे जिले से, हमारे जनपद से, हमारे पूरे जिले के आठों जनपद के समस्त सीओ, सहायक यंत्री, उप यंत्री, एपीओ, डब्ल्यूओ, सचिव, रोजगार सहायक साथी, सभी पूरा अमला पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का आज सिर्फ प्रशासन से एक ही मांग करने आया है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए तथा हम लोगों को, पंचायत ग्रामीण विकास के समस्त अमले को, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जी, उसमें ये विज्ञापन हमको मिला है और ये हमारे सहायक यंत्री हैं बिजावर में, उनके साथ जो है मिस बिहेव हुआ है तो उसके लिए जो है सीओ मैम ने ऑलरेडी जो है एसपी साहब से बात भी की है और अभी भी जो है ज्ञापन तत्काल एसपी साहब को भेजा जाएगा कार्रवाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।